हाय गाइस, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एवीएच फार्मा में। आज हम इस वीडियो के अंदर इवैपोरेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डेफिनेशन देखी थी इवैपोरेशन की, ऑब्जेक्टिव देखे थे, एप्लीकेशन देखी थी और डिफरेंस देखे थे इवैपोरेशन और अदर हीट प्रोसेस के बीच में। अब इस सेकेंड पार्ट के अंदर हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन देखेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ इवेपोरेटर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सारे फैक्टर्स एक एक करके, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, एजिटेशन, वेपर प्रेशर, टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। लेकिन यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो ये सारे फैक्टर्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक इक्वेशन देखते हैं। इसकी एक इक्वेशन है जो इवेपोरेशन की नॉर्मल इक्वेशन है, एम एम इज्क्वल टू के एस अप बाई पी वी माइनस वी डैस, जहाँ एम बराबर एम इज्क्वल टू है मास ऑफ वेपर फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, मतलब जो वेपर फॉर्म हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। एस है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड एक्सपोज्ड, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वी मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर के टेम्परेचर पे मैक्सिमम प्रेशर जितना है वो है वी, एंड वी डैस है वेपर ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू द वेपर ऑफ द लिक्विड एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर, एंड के यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यह एक जनरल इक्वेशन थी इवापोरेशन की, इसके अंदर इवापोरेशन होता है। तो इसके अंदर से इस इक्वेशन से जितने भी फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एवेपोरेशन को, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट से लेकर सारे फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है एवेपोरेशन को, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से एवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करता है? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पहली चीज़ तो ये कि एवेपोरेशन होने के लिए एक एवेपोरेटर होता है। एवेपोरेटर एक सिस्टम होता है या फिर एक मशीन होती है, तो उसके अंदर एक जो सिस्टम है तो उसको टेम्परेचर देता है। टेम्परेचर देने से मतलब सिस्टम को वर्क करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी के रूप में टेम्परेचर देता है या फिर हीट देता है। तो उससे टेम्परेचर तो ये अफेक्ट करेगा, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन बढ़ेगी। तो मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एवापोरेशन की रेट बढ़ती जाएगी, और यदि टेम्परेचर कम हुआ तो एवापोरेशन की रेट भी कम होगी। तो इस तरह से टेम्परेचर एवापोरेशन को अफेक्ट करता है। सेकंड फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से क्या होता है कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा सिस्टम का, सरफेस एरिया एवापोरेटर का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ेगी, और सरफेस एरिया यदि कम हुआ तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी कम होगा। तो इस तरह से सरफेस एरिया इन्फ्लुएंस करता है एवापोरेशन को। थर्ड जो फैक्टर है वो है एजिटेशन। एजिटेशन होता है एक तरह से मिक्सिंग या फिर एक तरह से जो यूनिफॉर्मिटी होती है, तो यह होता है एजिटेशन। तो एजिटेशन यदि किसी भी कंपाउंड का या जो रॉ मटेरियल है इसको हमें एवापोरेट करना है, तो यदि वो यूनिफॉर्म है, एजिटेट है, तो जितना ज़्यादा एजिटेट होगा वो उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन जितना ही उतना ही ज़्यादा होगा, और यदि एजिटेट कम है वो कंपाउंड या मिक्सचर तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर है वेपर प्रेशर। जी, ये जो इक्वेशन थी इसके अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर के जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, और यदि वेपर प्रेशर कम हुआ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। लेकिन यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा उसी तरह
वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे कम होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो ये फैक्टर इस तरह से अफेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर है टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, तो ये भी एक तरह से अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। जैसे कि अपन को किस तरह का प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो जैसे कि हमें लिक्विड चाहिए या ड्राई चाहिए, तो ऐसे जिस तरह का प्रोडक्ट हमें चाहिए उस तरह से ये भी इन्फ्लुएंस करता है इवेपोरेशन को। जैसे कि फिल्म पेन इवेपोरेटर है, वो हमें लिक्विड कंसंट्रेट देगा, जबकि जो ड्रायर है वो हमें लिक्विड या फिर ड्राई प्रोडक्ट देगा। तो इस तरह से ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इन्फ्लुएंस करता है। अब नेक्स्ट फैक्टर है डेंसिटी। डेंसिटी किस तरह से अफेक्ट करता है, जैसे जैसे किसी भी मिक्सर की डेंसिटी बढ़ेगी, फीड की मतलब रॉ मटेरियल की डेंसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और जैसे जैसे डेंसिटी कम होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अगला फैक्टर है, लास्ट फैक्टर है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी इसको हम डेंसिटी की तरह मान सकते हैं। जैसे जैसे किसी भी कंपाउंड की मिक्सचर की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और यदि विस्कोसिटी घटी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो ये थे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन। और भी कुछ फैक्टर्स हैं लेकिन हमने इतने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इवेपोरेटर्स। क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसके अंदर हम सारे इवेपोरेटर्स देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है इवेपोरेटर का, इवेपोरेटर विद हीटिंग मीडियम एंड जैकेट, और सेकंड जो होता है वेपर हीटेड इवेपोरेटर विद ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस। दो टाइप के इवेपोरेटर होते हैं, हीटिंग मीडियम इन जैकेट एंड ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस। फर्स्ट जो होता है उसके अंदर सिर्फ एक टाइप का इवेपोरेटर का एग्जांपल है स्टीम जैकेटेड केटल, जबकि जो सेकंड है उसके अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं। और फर्स्ट के अंदर तो हीटिंग मीडियम इन जैकेट के अंदर हो गया स्टीम जैकेटेड केटल। ये जो अंडरलाइंड है वो सारे अपने सिलेबस के अंदर है, तो इन पे हर एक इवेपोरेटर के ऊपर एक अलग वीडियो होगी। तो ये सारे इवेपोरेटर्स एक अलग अलग वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट ये हो गया। अब सेकंड है वेपर हीटेड इवेपोरेटर विद ट्यूबुलर हीटिंग सर्विस। इसके अंदर भी दो टाइप है, इवेपोरेटर विद ट्यूब प्लेस्ड ऑरिजेंटली, मतलब जिसके अंदर ऑरिजेंटल में ट्यूब रखी हो, प्लेस्ड हो, तो ट्यूब हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, और सेकंड है इसके अंदर वर्टिकली प्लेस्ड है। तो दो तरह के इवेपोरेटर होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट में जो हॉरिजेंटली प्लेस्ड है उसके अंदर सिर्फ एक एग्जांपल है हॉरिजेंटली ट्यूब इवेपोरेटर, जबकि जो वर्टिकली ट्यूब जिसके अंदर होती है उसके अंदर अगेन दो टाइप होते हैं, इवेपोरेटर विद शॉर्ट ट्यूब एंड अगला है इवेपोरेटर विद लॉन्ग ट्यूब। अब इसके अंदर इवेपोरेटर विद शॉर्ट ट्यूब के अंदर भी दो टाइप है, सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर एंड मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर। सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर के एग्जांपल है शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर एंड शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर विद प्रोपेलर वास्केट टाइप इवेपोरेटर। एंड जो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर है वो है ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर। तो इसको भी एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो इसका जो इवेपोरेटर ट्यूब प्लेस्ड वर्टिकली है, इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप था एक तो इवेपोरेटर विद शॉर्ट ट्यूब, अब सेकंड है इवेपोरेटर विद लॉन्ग ट्यूब, इवेपोरेटर विद लॉन्ग ट्यूब। इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं, इवेपोरेटर विद नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेशन इवेपोरेटर्स एंड इवेपोरेटर विद फोर्स्ड सर्कुलेशन। इवेपोरेटर विद नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स का एक एग्जाम्पल है क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, इसको राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर भी बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, लेकिन हम इसको सिलेबस के अंदर हमारे क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। जो इवेपोरेटर है सेकेंड इवेपोरेटर विद फोर्स्ड सर्कुलेशन, इसका एग्जाम्पल है फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर, तो इसको भी हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।
तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये जो इवेपोरेटर्स की वीडियो है वो आप आती रहेंगी, तो देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।